अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप सारे खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। मैं आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 ये भी हम सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जांपल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, ये देख लें जरा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब क्या, ये डिस्टेंस है ना हमेशा पॉजिटिव होगा, सिंपल ये याद रखें। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, क्लियर। अच्छा, दूसरी तरफ x फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह लिखा जाए तो ये जो दो बार्स हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करते हैं। इनको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स, क्लियर हो गया। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हम जब भी लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास एक इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, अगर इसमें ये आ गया तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस, ठीक है, ये क्लियर हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। अच्छा, अब आपके पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन मौजूद है, ठीक है ना, उसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक जनरल इक्वेशन है, आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपने इसको इक्वल टू दो हिसाब से करना है, कैसे, प्लस सी, ये देखे ना, ये इक्वल टू सी है ना, जब आप ये बार्स खत्म करेंगे तो एक दफा तो प्लस सी लिखेंगे और एक दफा क्या लिखेंगे, माइनस सी, और फिर इसको हल करेंगे जैसे हम पहले करते थे, ठीक है। कैसे, आते हैं एक्सरसाइज 5.3 की तरफ, ठीक है ना। तो 5.3 में इसकी सारी डिटेल है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है कि सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस वेयर एक्स वाई जेड सारे रियल नंबर है, ठीक है। x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5/3, आपने सॉल्व कैसे करना है ये देखते जाए। आपने दरमियान में एक लाइन लगानी है इस तरह, ठीक है ना, क्या लिखना है कि जो x है ये होगा 5/3 और x होगा आपके पास 5/3 माइनस, यही मैंने कहा था ना कि या जब इसको खत्म करेंगे, ये जो दो लाइंस हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लाइंस हैं, इनको आप खत्म करेंगे तो आप क्या कहेंगे, x एक दफा पॉजिटिव, पॉजिटिव ये प्लस हम नहीं लिखते लेकिन ये पॉजिटिव, ठीक है, और एक दफा नेगेटिव। अब सॉल्व करते हैं तो ये दो वैल्यूज की होगी। अब सॉल्यूशन सेट कैसे होगा, सॉल्यूशन सेट क्योंकि दो वैल्यूज हैं इसलिए सेट होगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, -5/3 ये आपके पास जवाब है, क्लियर हो गया ना। बाकी दूसरे तीसरे पे आएंगे, मजीद डिटेल में आपको बताऊंगा। ये वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, एंड पे ये देखें इन्होंने जिस तरह वो बनाया हुआ है सॉल्यूशन सेट, ऐसे ही आपने बनाना है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, पहले पॉजिटिव लिखेंगे, बाद में हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। चलिए दूसरे में करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स प्लस 2 है, एब्सोल्यूट वैल्यू 6, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 6 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू माइनस 6, इसको सॉल्व करें, एक्स -6 -2 -8, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -8, और यहाँ पे क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू 6 -2 इज इक्वल टू 4। सो सॉल्यूशन सेट ये क्या होगा, इक्वल टू ये होगा जनाब 4 एंड -8, देखिए माइनस वाली मैंने बाद में लिखी, ठीक है ना, ये आपका जवाब है। इसके बाद इसका नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3, इसमें है कि 5y -1 एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आपके पास है 9, इसको सॉल्व करें, सो 5y -1 इक्वल टू 9 या 5y -1 इक्वल टू -9। सो 5y आप जो मर्जी पहले हल करें, कोई नहीं, हल तो दोनों करने हैं ना, सॉल्व तो दोनों करने हैं, तो -9 +1 इज इक्वल टू -8 और ये क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू -8। अब ये चीजें तो आपको आती हैं, -8/5, ठीक है, ये देखें -9 ये इस तरफ आ गया +1, सो -8 और ये 5y, अब ये रह जाएगा 5y, 9 +1 इज इक्वल टू 10, सो 5y इज इक्वल टू 10, y कितना हो गया, 10/5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सॉल्यूशन सेट इधर लेके मसला नहीं है, लेकिन एंड पे लिखना है, तो ये क्या है, 2, -8/5। अब चेक करना चाहें तो चेक करें, जवाब यही आएगा, ठीक है।
चेक ये है कि ये वैल्यूज दोबारा इक्वेशंस में लगा दें, जैसे इसमें मैं आपको चेक करके दिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 4, एक्स प्लस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू 2, सो ये आएगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 या एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2, सो इधर आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 माइनस 3, ये हो गया। चेक कर लें, चेक करना है तो इस तरफ चेक करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये 1 था ना, तो ये देखें चेक करें, इस तरफ चेक करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, सो माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, क्या ख्याल है, ऐसे ही है, तो ये इसकी चेकिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसको देखते हैं, 6 माइनस 3y और इसका एब्सोल्यूट क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा इज इक्वल टू 0, सो 6 माइनस 3y इक्वल टू 0, 6 क्या नाम है, अच्छा ये 0 है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, क्या आप इसको माइनस लिखते हैं प्लस, ये तो प्लस ही होगा ना, 0 है बस खत्म, तो ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू जाएगी 6 बाई 3 इज इक्वल टू 2, क्लियर है। तो इसका क्या मतलब है कि सॉल्यूशन सेट, या सॉल्यूशन सेट छोड़ दें, सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास होगा 2, क्यों, यानी y इज इक्वल टू 2, ये आपके पास सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि देख लें, चेक करते हैं, 6 माइनस 3y एब्सोल्यूट वैल्यू 0, तो 6 माइनस 3 इंटू 2 कितना आएगा 0, ये आपके पास जवाब है, ठीक है। वैसे ये जो जगह है ना, ये जो चीजें हैं, इनको मस्ट आपने देखना है, ये सारा कुछ आपने देखना है, ऐसा ना हो कि फिर आपके लिए काफी कंफ्यूजन हो और आप कहेंगे पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इनको एक दफा देख लिया करें, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लें, 3 z माइनस 2 और इसका माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, पहले इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को एक साइड पे करते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 z माइनस 2, ठीक है, 4 उस तरफ जाएगा, सो माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा। अब z माइनस 2 ये हो जाएगा जनाब आपके पास 2 डिवाइड 3, क्यों, क्योंकि 3 है ना ज़रब है, इधर भी डिवाइड इधर भी डिवाइड, तो ये कैंसिल, और ये चले मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, z माइनस 2 3 और ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा z माइनस 2 और इधर हो जाएगा 2, ठीक है, इसको भी 3 करें, इसको भी 3 करें, कैंसिल, z माइनस 2 एब्सोल्यूट, ये हो जाएगा 2 डिवाइड 3। अब इसके बाद आप मजीद काम करेंगे, तो चले मैं यहाँ पे दो इसके ऑप्शन बना देता हूँ, पहला ये हो जाएगा कि नाउ, ठीक है, z माइनस 2 इज इक्वल टू 2 बाई 3 या z माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 2, सॉरी माइनस 2 डिवाइड 3, ऐसे ही होगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो z हो जाएगा 2 डिवाइड 3 प्लस 2, इधर हो जाएगा z माइनस 2 डिवाइड 3 प्लस 2, यहाँ से क्या आएगा डिवाइड बाई 1, सो LCM लेते हैं, ये हो जाएगा 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 को ऊपर 2 से ज़रब देते हैं, LCM तो आता है ना, प्लस 1 ज़रब 3, ऐसे होता है, एक को तीन से जरब देते हैं जब तक, यानी एक को तब तक जरब देते हैं जब थ्री आ जाए, तो तीन से देंगे, उस तीन को ऊपर वाले से जरब देते हैं छः, ठीक है, दो जमा छः आठ, आठ बटा तीन, ये जेड हो गया। दूसरे को देख लें, जेड इन दोनों का माइनस वन हो जाएगा, सो थ्री, थ्री को तब तक जरब देंगे कि थ्री वन आ गया, उस वन को ऊपर माइनस टू से, सो माइनस टू आएगा, प्लस इसको तब तक जरब देते हैं कि थ्री आ जाए, थ्री उस थ्री को टू से जरब दें, सिक्स, आ गई समझ, तो फोर डिवाइड बाई थ्री इज जेड। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया 8 बाई 3 4 बाई 3, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया जवाब। आते हैं 7 पे, 7 को देखते हैं, 2x माइनस 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, तो 2x माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस 5 और 2x माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 5, इसको लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड 2, यहाँ पे भी डिवाइड 2, 3 आ जाएगा, ठीक है, 2x ये आ जाएगा माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, सो x की वैल्यू आएगी माइनस 4 डिवाइड 2, तो क्या आएगा माइनस 2। सॉल्यूशन सेट क्या हुआ,
सॉल्यूशन सेट जनाब आपके पास आ जाता है 3 - 2, ठीक है, ये आपके पास जवाब है इसका। इसके बाद नेक्स्ट इसको भी एक नजर देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, 8 3x + 2 = 7, इसको भी चेक करते हैं। क्वेश्चन 8 3x + 2 ये इज इक्वल टू 7, सॉरी हाँ यस यही है बस। क्वेश्चन नंबर 8 मैं दोबारा कर देता हूँ, 3x + 2 ये इज इक्वल टू 7, सॉल्व करते हैं। सो 3x + 2 इज इक्वल टू 7 या 3x + 2 इज इक्वल टू -7। अब क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, सो 3x इज इक्वल टू 5 आ गया, x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3, 3x यहाँ पे हो जाएगा -7 -2 -9, 3x इज इक्वल टू -9 डिवाइड 3 डिवाइड 3, तो x हो जाएगा -3, ऐसे ही है ना, 3 3 9, सो -3 और 5 यानी आप ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3 -3, ठीक है ना, ये तो आपको आता है फिर। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 इसको देखते हैं कि ये क्या आ रहा है, और थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा, इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें 4x उसका सिर्फ एब्सोल्यूट है, नीचे नहीं है, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 12, इसको पहले सिंप्लीफाई करें, यानी एक साइड पे एब्सोल्यूट होना चाहिए, दूसरी साइड पे बाकी चीजें, ये देखें डिवाइड बाय 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई बाय 1 यही आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 12 ضرب 3, ये आ गया 36। अब आप इसको कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे कि 4x इज इक्वल टू 36, और इधर लिखेंगे कि 4x इज इक्वल टू -36, तो ये डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, x इज इक्वल टू 4 9 36, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू -9, क्यों, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 4 9 36, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, सॉल्यूशन सेट हुआ -9 यानी +9 और -9 यानी 9 और -9, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, इसमें है कि 5x एब्सोल्यूट +10 ये होगा 5 के बराबर, इसको सॉल्व करते हैं। 5x और ये 10 इस तरफ जाएगा तो 5 - 10, ठीक है, और ये क्या आएगा -5, ये आ जाएगा 5x, ये मजीद सॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माइनस में आ रहा है, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि देर इज नो, ठीक है, रियल नंबर, देर इज नो रियल नंबर एक्स सच दैट क्या चीज, एक्स एब्सोल्यूट जॉब दे दे आपको, यानी 5x एब्सोल्यूट आपको क्या जॉब दे दे, -5, ये नहीं पॉसिबल, ठीक है। सो यानी माइनस नहीं पॉसिबल, सो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, एंड द सॉल्यूशन सेट इज खाली सेट, क्लियर हो गया, ये आपका जवाब है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी वजाहत कहाँ पे है, तो ये देख लें एग्जाम्पल, इसको देखें, ये जवाब है, यानी ये क्वेश्चन है एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -6, तो ये है देर इज नो रियल नंबर सच दैट, ये क्योंकि ये क्या है माइनस है, तो इसका जवाब नहीं होता, ठीक है, खाली सेट, ये आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 इसको देख लें, 1 - 2y डिवाइड बाय 4 इसका एब्सोल्यूट है 3, 1 - 2y एब्सोल्यूट ये अपनी जगह, क्योंकि डिवाइड बाय 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक है, 4 3 12, ठीक है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में, ये अब इसको आप कर सकते हैं कि 1 - 2y सॉरी एब्सोल्यूट खत्म कर दें, 1 - 2y ये 12 के बराबर, या 1 - 2y इज इक्वल टू -12 के बराबर, ठीक है। सो इससे आएगा 2y इस तरफ आ जाएगा, 1 - 12 होगा, ठीक है, और इधर क्या होगा 2y इस तरफ आ जाएगा, 1 + 12 होगा, ये 13 हो जाएगा, 2y हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या होगा y -11 डिवाइड बाय 2, क्यों, क्योंकि ये देखें -11 हो गया और 2 डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, सॉल्यूशन सेट आपके पास हुआ 13 डिवाइड बाय 2 ये वाला, और -11 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि x + 1 एब्सोल्यूट
डिवाइड टू, ये बराबर है टू एक्स माइनस वन एब्सोल्यूट डिवाइड थ्री। पहले इसको सिंपल कर देते हैं, सो एक्स प्लस वन डिवाइड, ये देखे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये यहां पे आ सकता है और ये यहां पे आ सकता है, ठीक है। मैं इनको नहीं चेंज करता, मैं सिर्फ इसको चेंज करता हूँ। सो टू एक्स माइनस वन आ गया, ये भी इस तरह और ये भी इस तरह, ये टू इसकी जगह आ गया, ठीक है। इन दोनों ने अपनी जगह चेंज कर दी, वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक रूल मैं आपको बता दूँ, रूल्स हैं कुछ, इसको देख लिया करें, ये रूल्स देख लें, ठीक है। ये अगर दोनों पे हो, आपस में मल्टीप्लाई हो, दोनों पे एब्सोल्यूट हो, तो अकेले अकेले लिख सकते हो। यहाँ पे देखें, अगर दोनों पे अलहदा अलहदा है तो इनको इकट्ठा लिख सकते हो, जैसे कि हमारा केस है। और अगर इस तरह हो, ये एक दफ़ा ये दो दफ़ा, तो दो दफ़ा लिख सकते हो। तो अब जो हमारा केस है उस पर आते हैं, बाकी छोड़ दें। हमारा केस ये है कि x प्लस वन डिवाइड बाई टू एक्स माइनस वन, ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं टू डिवाइड थ्री। अब ये दो हिस्सों में होगा, ठीक है। नाउ क्या ये हो जाएगा कि x प्लस वन डिवाइड बाई टू एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा टू बाई थ्री प्लस, यह हो जाएगा x प्लस वन डिवाइड बाई टू एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस टू डिवाइड बाई थ्री, ठीक है। इसको कर लें, मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो तीन मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन से, टू मल्टीप्लाई होगा टू एक्स माइनस वन से। इधर देख लें, थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन से, माइनस टू मल्टीप्लाई होगा टू एक्स माइनस वन से, ठीक है। अब चेक करें, थ्री एक्स प्लस थ्री, ये हो जाएगा दो दो चार एक्स माइनस दो, ये क्या होगा थ्री एक्स प्लस थ्री, ये होगा माइनस फोर एक्स, और माइनस माइनस प्लस टू, ठीक है। इसको वैसे आप चेक भी कर लें, साथ साथ आप इसको चेक कर लिया करें कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, सॉरी तबीयत तो ठीक नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये देखें, 3x इज इक्वल टू सॉरी ये होगा 3x प्लस 4x, ये इस तरफ आ जाएगा 2 माइनस 3, ऐसे ही होगा ना। तो ये आएगा माइनस 1, और ये 7x, x की वैल्यू होगी माइनस 1 डिवाइड बाई 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4x को अपनी जगह छोड़ दें, माइनस 3x इस तरफ लेके आए क्योंकि 4x बड़ा है, ठीक है। 3 माइनस 2 इस तरफ आएगा प्लस 2, सो 5, और ये x। अब आप इसको जरा एक दफ़ा चेक करें क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, चेक करते हैं, ये हम इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन सेट मैं आपको लिख के देता हूँ, ये सॉल्यूशन सेट है। इसके बाद आपने ये लिखना है कि 5 और माइनस 1 डिवाइड बाई 7, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं वैसे इसको चेक करता हूँ, चेक करना है कैसे, ये है x की जगह आपने 5 लिखा, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 माइनस 1, ये 2 बाई 3 आना चाहिए। 5 जमा 1 6, 2 पाँच 10, मनफी 1 9, 2 बटा 3 आता है, 3 3 2 6, 3 3 9, 2 बटा 2 3 आता है कि नहीं आता, ये हो गया क्लियर। अब दूसरी साइड को चेक करते हैं, माइनस 1 डिवाइड बाई 7, ये वाला, इसकी जगह वैल्यू पुट करें, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस 1 और 7 माइनस 1, चेक करते हैं इसे क्या आता है। दोनों का एलसीएम लें, 7 ऊपर आएगा माइनस 1 और प्लस आएगा 7 नीचे, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 7 माइनस 1। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं इसको, ऊपर वाला आएगा 6 डिवाइड बाई 7, नीचे वाला ये 1 हो गया, तो 7 माइनस 2 फिर माइनस 1 7 7, सो 7 को ऊपर जरब दिया 7, ठीक है। तो 6 बाय 7 और नीचे वाला आ गया माइनस 9 डिवाइड बाई 7, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 6 बाई 7 डिवाइड माइनस 9 डिवाइड बाई 7, इसको मल्टीप्लाई करें, 6 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 7 7 कैंसिल, सो 6 बाय माइनस बाय 9, माइनस ऊपर नीचे करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सो 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 2 बटा 3, लेकिन माइनस है तो माइनस। ये देखें हमारे पास वही जवाब आ रहा था, जवाब किधर है, जवाब को जरा देख लें, ये देखें माइनस 2 बाई 3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम वापस इस सवाल को चेक कर गए, ये चेक हो गया। वैसे आप इसकी वेरिफिकेशन खुद भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, इतना मुझे यकीन है। इसके बाद चेक करते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है कि 5x माइनस 3, इसका एब्सोल्यूट ये होगा x प्लस 7, इसका एब्सोल्यूट, ठीक है। अब ये देखें नया सीन है, सो 5x माइनस 3 एब्सोल्यूट। अच्छा, ये ज़रा चेक करें, ये यहाँ पे भी x प्लस 7 डिवाइड करें और यहाँ पे भी, तो यहाँ से क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और यहाँ से क्या रह जाएगा, x प्लस 7
एब्सोल्यूट, मैं ये कह रहा हूँ, देख रहे हैं, 5x-3 एक्स प्लस सेवन एब्सोल्यूट, ये रफ वर्क है, ठीक है ना, रफ वर्क कर रहा हूँ, डिवाइड बाय एक्स प्लस सेवन कर दें और इधर भी एक्स प्लस सेवन डिवाइड करें, ये एक ही चीज़ है, ख़त्म हो जाएगी, वन रह जाएगा और बाकी यहाँ पे ये रह जाएगा, मैंने वही लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अब हम कर सकते हैं, सो 5x-3 डिवाइड बाई एक्स प्लस सेवन और सबका एब्सोल्यूट और वन, अब इसको सॉल्व करते हैं, नाउ 5x-3 डिवाइड एक्स प्लस सेवन वन, या 5x-3 डिवाइड एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू माइनस वन, इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको तो ये क्या हो जाएगा, 5x-3 ये 1/1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस सेवन, 5x x इस तरफ ले आए, माइनस एक्स सेवन था, ये 3 उस तरफ गया तो प्लस 3, ठीक है, 10 ये हो गया 4x, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 10/4, सो 5 दो 10, 2 दो 4, 5/2, इधर देखते हैं 5 ये 1/1 कर दें, ठीक है, सो 5x-3 और ये माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, सो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर तो प्लस 1 था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, 5x-3 इधर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस सेवन, ठीक है, अब ये हो जाएगा 5x-x इस तरफ आ गया प्लस एक्स, माइनस सेवन इधर मौजूद था, ये 3 इस तरफ आ गया, सो प्लस 3, 6x और ये हो जाएगा 4, माइनस 4 है ना, तो x की वैल्यू क्या है, माइनस 4 डिवाइड बाई 6, सो माइनस 2 डिवाइड बाई 3, दो पे डिवाइड किया, ये आपके पास जवाब क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आपने लिखना है कि 5 / 2, -2/3, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब आपने चेक करना है, आप कहते हैं मैं इसको चेक करके देखता हूँ या देखती हूँ कि क्या ये ठीक है कि गलत है, तो इस वाले में 5/2 पुट कर देते हैं, ठीक है, 5 × 5/2 -3, इधर क्या आएगा 5/2 + 7 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो ये देखें 25/2 - 3/1, नीचे क्या आएगा 5/2 + 7/1, चेक करते हैं, ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा ऊपर, 25 आएगा, -1, 2, 2, 2, 3, 6, एलसीएम आपको आना चाहिए, ये नीचे 2 आ गया और ऊपर वाला क्या आएगा 5 + 2, 7, 14, ऐसे होगा ना, क्या जाएगा 25 - 6 से क्या आता है 21, 25 - 6 19/2, नीचे क्या आएगा 19/2, आपस में कैंसिल, क्या 1/1 या 1, ये तो वेरीफाई हो गया, ये ठीक है। अब दूसरी साइड को देखते हैं, -2/3, ठीक है, इसके लिए देख लें, सो 5 × -2/3 और -3, नीचे क्या है -2/3 + 7, चेक करते हैं क्या आता है, ये आएगा ऊपर वाला -10/3 और -3/1, नीचे क्या आएगा -2/3 + 7/1, इससे क्या आएगा 3, अब आएगा -10 और -1, 3, 3, 3, 3, 9, ठीक है, ये देखे ना, इनका एलसीएम ले लें बस, ठीक है, ये आएगा 3 और ये आएगा -2, ये देखें 1, 3, 3, सो 3, 1, 3, 1, 1 के ऊपर -2 से -2, फिर ये देखें 1 ضرب 3, 3 को ऊपर 7 से ضرب 2, 21, ठीक है, ये प्लस है तो +21, क्लियर हो गया ना। ऊपर देखें, ये आ गया -19/3, नीचे वाला देखें, यह आ जाएगा 19 यानी +/3, सो ये कैंसिल, सिर्फ -1 रह जाएगा, ठीक है। किसी को समझ नहीं आई तो मैं इसको दोबारा एक छोटा सा करके सिखा देता हूँ, ये देख लें, इसको दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या था इधर डिवाइड बाय 3, तो ऊपर वाला देखें -19/3, नीचे वाला क्या नाम है +19/3, क्योंकि 21 - 2 यानी -19, ये क्या आएगा -19/3, ये नीचे बटा है तो बटा को डिवाइड लिखते हैं, ठीक है, 19/3, अब देखें -19/3 इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, सो 3/19, ये 19 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये माइनस तो है ना, सो -1, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, इसकी वेरिफिकेशन। अब वैसे इसको चेक कर लिया करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख लिया करें, वैसे आखिरी चैप्टर है तो अब तक मेरे ख्याल से ये इश्यूज नहीं होने चाहिए। आते हैं इसके लास्ट पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14, क्वेश्चन 14 कह रहा है कि -3, ये बराबर है 5 - और फिर z+3, ऐसे ही है ना, ऐसे करके, तो पहले z+3 को एक साइड पे कर लें, क्योंकि जिसका एब्सोल्यूट है वो एक साइड पे, ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा z+3,
ऐसा ही है, और ये 5 है, ये 3 इस तरफ आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा यानी 8। अब हम क्या कहेंगे, इस पूरे को आप कह दें कि ये तरबूज, क्या वाटरमेलन, ठीक है ना। तो ये एक वाटरमेलन, ये एक वाटरमेलन, दो वाटरमेलन, z प्लस 3। वैसे आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप समझते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास इसका हो गया रिजल्ट। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये है 8, अब डिवाइड बाय 2 करें, इधर भी डिवाइड बाय 2 करें, ये कैंसिल, z प्लस 3 और इसका क्या, ठीक है, 4 2 8, ये आ गया आपके पास रिजल्ट। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो क्या होगा, z प्लस 3, नाउ z प्लस 3 जो आपके पास है, नाउ ये आप लिखेंगे कि z प्लस 3 या तो जमा 4 है या z प्लस 3 जो है वो माइनस 4 है। इधर होगा 4 मनफी 3 इज इक्वल टू 1, और इधर होगा z माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7। तो क्या मतलब है, सॉल्यूशन जो सेट है आपके पास वो है जनाब 1 एंड माइनस 7, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट है। चेक करना चाहें तो इसमें 1 चेक करें, 1 प्लस 3 क्या आता है, 4, ये कन्फर्म हो गया। और इधर देखें, 1 माइनस, ये माइनस 7 है, सो माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4, ये कन्फर्म है, ठीक है। आप वो नहीं करना चाहते, यहाँ पे करना चाहते हैं तो 1 वो नहीं कर सकते, बिकॉज आप प्लस माइनस वगैरह में पहुंच जाएंगे, ठीक है, वही वाला हिसाब है जहाँ पे मैंने करवाया। एक्सरसाइज आपका हो गया कंप्लीट, इसके बाद आऊँगा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। किसी को कोई डाउट है, कोई टेंशन है, ज़रूर मेरे से डिस्कस करें, ठीक है। अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें, ठीक है, थैंक यू।